एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ कुछ एम्प्टी प्रोडक्ट्स की रिव्यू शेयर करूंगी। कौन सा प्रोडक्ट है इसमें से जो मैं फिर से रिपर्चेस करने वाली हूं एंड कौन सा प्रोडक्ट है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं रिपर्चेस नहीं करने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। सो सबसे पहले ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ये ओशिया हर्बल का टर्मरिक क्लींजिंग लोशन है। तो ये बहुत अच्छा है, क्लींजिंग लोशन है, ये एम्प्टी है। ये मैं परचेस करूंगी बट अभी नहीं, ये मैं विंटर में परचेस करूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रही हूँ विंटर में, क्योंकि विंटर में स्किन जो है मेरा ड्राई हो जाता है। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली ये वाला जो प्रोडक्ट है ये यूज कर सकते हो। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नाइका में मिल जाएगा या फिर किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। ये ओशिया हर्बल का प्रोडक्ट है, हर्बल्स प्रोडक्ट है तो इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। स्पेशली मैं ये जो है बिल्कुल मैं विंटर में रिपर्चेस करूंगी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ड्राई स्किन के लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है बायोटिक का। ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेद डेंडलियन विजिबली एजलेस सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप। तो ये एंटी एजिंग वाला सीरम है, आप देख सकते हो इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही छोटा है, बट ये पैकेजिंग छोटा है फिर भी इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, पैकेजिंग के हिसाब से एक्सपेंसिव है। मैंने ये फुल ट्यूब यूज करके देखा है, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ प्रोडक्ट्स हम 5 दिन 7 दिन या 10 दिन यूज करके हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, एटलीस्ट फुल ट्यूब हमें यूज करना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैंने इसको, मुझे 5 से 10 दिन में तो कोई चेंजेस मुझे पता नहीं चला, उसके बावजूद मैं ये कंटिन्यू यूज किया है। तो ये बहुत लंबे दिन तक चलता है, बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है तो ये काफी दिन तक, 2-3 महीना हो गया मैं इसको यूज करके मैंने देखा है। स्किन में कोई भी एजलेस वाला जो साइन, एजिंग वाला जो साइन है वो अभी तक नहीं आया है, तो एजलेस के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ। बट कोई और मुझे चेंजेस इस सीरम यूज करके बिल्कुल भी नहीं दिखा, कोई भी मतलब एक सिंगल चेंज भी मुझे नहीं दिखा है। तो ये मैं प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है बायोटिक का बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। तो ये टोनर जो है ये मैं जरूर रिपर्चेस करने वाली हूँ और मैं बार बार इसको रिपर्चेस करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली ऑयल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मुझे इससे जो मेरा पोर्स जो है काफी ज्यादा श्रिंक हुआ है पहले से, साथ ही साथ जो ये मेरे एक्ने को काफी हद तक कंट्रोल करता है। तो मुझे ये जो टोनर है बहुत पसंद है, मैं लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। उसके बाद भी मैंने कुछ और टोनर्स भी ट्राई करके देखा है बट मुझे इसकी तरह उतना अच्छा कोई भी टोनर नहीं लगा है, तो डेफिनेटली मैं ये रिपर्चेस करने वाली हूँ। नेक्स्ट ये है मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन, मैट पोरलेस फाउंडेशन। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। तो इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगी, क्योंकि इसको मुझे रिपर्चेस करना ही है, क्योंकि इतना अच्छा फाउंडेशन है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो टेक्सचर है, इसकी जो फिनिशिंग है ये ऑसम है। मतलब किसी भी हाई एंड ब्रांड के फाउंडेशन से कम नहीं है, मैं तो कहूंगी मुझे मैक से भी ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला फाउंडेशन। तो ये मैं डेफिनेटली रिपर्चेस करने वाली हूँ एंड मैं सबसे ज्यादा अपने फेस पे यही फाउंडेशन यूज करती हूँ। सो नेक्स्ट मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी ये है वैसलिन बॉडी लोशन। ये इंटेंसिव केयर कोकोआ ग्लो है। तो इसका बहुत सारा रेंज है, एक व्हाइट कलर का आता है, एक ग्रीन कलर का आता है, मैं स्पेशली ये यूज करती हूँ। मैंने वो भी यूज करके देखा है, मुझे मेरे लिए वो उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है, तो मैं ये यूज करती हूँ। ये विंटर में स्पेशली मैं यूज करती हूँ बट समर में भी मैं हमेशा ये अपने पास रखती हूँ, बिकॉज कभी भी मुझे ड्राइनेस फील हो अपने हाथों में, मैं कभी भी हैंड क्रीम यूज नहीं करती हूँ, एज ए हैंड क्रीम भी मैं ये यूज करती हूँ। तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड ये मैं जरूर जरूर रिपर्चेस करना चाहूंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्लम का जो ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर है। तो ये बहुत पॉपुलर टोनर है, मैंने अभी तक इसके बारे में मोस्टली अच्छे रिव्यू ही सुना था तो इसलिए मैंने ये परचेस किया था, बट मेरे लिए ये उतना अच्छा काम नहीं किया। मैं नहीं बोलूंगी ये मेरे स्किन में मतलब टोनर का काम नहीं किया, ये टोनर का काम किया है, ये एक्ने कंट्रोल करता है, एक्ने भी कंट्रोल किया है, ऑयल भी कंट्रोल किया है, बहुत अच्छी बात है। बट ये जब भी यूज करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा स्किन में स्टिकीनेस फील होता है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब इसके यूज करने के बाद का जो इफेक्ट है स्किन में वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ये डेफिनेटली कभी भी मैं रिपर्चेस नहीं करना चाहूंगी ये प्रोडक्ट। बाकी ये अच्छा हो सकता है बट ये मेरे लिए उतना अच्छा काम नहीं किया। नेक्स्ट मैं बात करूंगी निविया मैन सेंसिटिव आफ्टर शेव बाम। तो ये बाम है, निविया मैन आफ्टर शेव बाम है, बट ये प्राइमर का काम करता है मेकअप में, तो ये मैं जरूर रिपर्चेस करना चाहूंगी, बिकॉज ये एक ऐसा प्राइमर है जो कि 235 रुपीज में आपको ऑल स्किन टाइप के लिए आप यूज कर सकते हो, आपके मेकअप को बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ऑल्सो ये सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत माइल्ड है इसका टेक्सचर, वाटर बेस्ड है, तो
मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है एंड ये मैं जरूर रिपर्चेस करना चाहूंगी। ऐसा एक प्राइमर तो मैं हमेशा अपने कलेक्शन में रखना चाहूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है बायोटिक का बायो एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी फेस बॉडी वॉश। तो ये वाला जो बॉडी वॉश है ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं समर में यूज करती हूँ, मोस्टली विंटर में नहीं यूज करती। विंटर में बायोटिक का एक दूसरा बॉडी वॉश आता है वो मैं यूज करती हूँ, वो विंटर के लिए अच्छा होता है बट समर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सच्चे में ये रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश मतलब बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इसका जो फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं जरूर इसको मैं रिपर्चेस करूंगी क्योंकि इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती समर में। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये लैक्मी 925 ब्लैक इम्पैक्ट लिक्विड लाइनर है। आप देख सकते हो ये लाइनर मैं बहुत टाइम से यूज करती थी बट इस टाइम मैं डेफिनेटली ये रिपर्चेस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इससे बेटर लाइनर इस कैटेगरी का मिल गया है। इसको मैं यूज करती थी बिकॉज इसका जो ब्रश है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था, बहुत शार्प था। बाकी लाइनर जो है वाटरप्रूफ नहीं था, ठीक ठाक था, मैं यूज करती थी बट अभी मुझे रिसेंटली मैंने शुगर का लिक्विड लाइनर यूज किया जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो मैं अभी फिलहाल इसको मैं और ज्यादा रिपर्चेस नहीं करना चाहूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सॉच कर्फ का टॉफ्ट पावर, ये हेयर सेटिंग स्प्रे है। इसका जो मेगा स्ट्रॉन्ग पावर है 5 तक है, तो मैं ये डेफिनेटली मैं रिपर्चेस करूंगी बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड प्रोफेशनली हेयर स्टाइलिंग के लिए ये जो स्प्रे है बहुत अच्छा काम करता है और कोई भी हेयर स्प्रे इसका बराबर काम नहीं करता है, तो मैं ये डेफिनेटली रिपर्चेस करूंगी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो प्रोडक्ट है ये है बेबी लिप्स लिप्स कलर, ये लिप बम है मेबलिन का, तो ये तो रिपर्चेस करने के बाद आती नहीं है क्योंकि ये मैं ऑलवेज इसका बैकअप रखती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे कैटेगरी का लिप बम यूज किया है पर ये आपके लिप्स को जितना ज्यादा बटरी सॉफ्ट स्मूथ बना देता है उतना और कोई भी लिप बम मुझे नहीं लगता बनाता है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं इसका ये हमेशा मैं रिपर्चेस करती हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है ट्रायल ऑन का डर्मा कलर पैलेट। आप देख सकते हो ये प्रॉपर एक पैलेट है जिसमें सारे डर्मा कलर रहता है एंड साथ ही साथ फाउंडेशन का शेड बेस शेड एंड साथ ही साथ कुछ करेक्टर का शेड भी रहता है, कंटूरिंग का शेड भी रहता है। तो ये खत्म हो गया है, खत्म शेड आप देख सकते हो खत्म नहीं हुआ है बट इसका इंडियन स्किन टोन भी हम जो भी फाउंडेशन का शेड यूज करते हैं क्रायलॉन में डर्मा में वो सारे शेड जो है इसमें खत्म हो गया है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो शेड है ये सारे खत्म हो गया है, तो ये मैं डेफिनेटली रिपर्चेस करना चाहूंगी इसलिए क्योंकि ये मैं एक अपने पास रखना चाहूंगी। ऐसा नहीं कि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर उतना ज्यादा खराब भी नहीं लगता है, तो कभी कभी कैमरा के सामने मेकअप करना हो तो ये क्रायलॉन का बेस जो है अच्छा लगता है फॉर कैमरा, तो ये मैं डेफिनेटली रिपर्चेस करके रखना चाहूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये एम्प्टी नहीं हुआ है, ये पूरा टूट गया है, तो मैंने सोचा ये सेट करने से अच्छा मैं इसको रिपर्चेस कर लूँ। तो ये है शिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। ये हाइलाइटर जो है बहुत इनएक्सपेंसिव है, बहुत अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है 250 समथिंग इसका प्राइस है, इतने कम प्राइस में इतना अच्छा हाइलाइटर मुझे और कोई भी नहीं लगता है एंड इसमें बिल्कुल भी ग्लिटरी चंकीनेस नहीं है, बहुत अच्छा स्मूथ एक हाईलाइट स्मूथ एक ग्लो देता है आपके फेस पे, तो मैं ये डेफिनेटली रिपर्चेस करूंगी बिकॉज ये मेरा टूट गया है तो इसलिए मैं इसको रिपर्चेस करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।